दोस्तों बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि चाहे कुछ भी कर लो, कोर्ट पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा के रहेगी, कोर्ट किसी की कुछ भी नहीं सुनेगी और कुछ भी नहीं सुनती है। तो कोर्ट के अंदर क्या होता है, रियल में क्या ये बात सही है या फिर झूठी है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रैक्टिकली दृष्टि से वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस चल रहा है या फिर चलने वाला है तो बिल्कुल आपको वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी आपको जानना बेहद ही जरूरी है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों इस बात को मैं बिल्कुल नकारता हूँ कि जैसा कि कई लोगों के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कोर्ट पति की कुछ भी नहीं सुनती है, पति के ऊपर मेंटेनेंस लगाती है तो लगाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो पत्नी मेंटेनेंस लेने लायक ही नहीं है, जिन पत्नियों को मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं है, उन पत्नी का मेंटेनेंस बनना ही नहीं चाहिए, तो ऐसी पत्नी का बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं बनेगा। यहाँ पे जो पत्नी मेंटेनेंस लेने लायक है, जिन पत्नियों को मेंटेनेंस की जरूरत है, जिन पत्नियों का मेंटेनेंस बनना चाहिए, तो उन्हीं पत्नियों को मेंटेनेंस बनेगा। यानी कि कानून यही कहता है, कोर्ट का रूलिंग यही है, पर यहाँ पे बहुत से पतियों के साथ में अन्याय हो जाता है। अगर पत्नी गलत होती है, जो पत्नी मेंटेनेंस लेने लायक भी नहीं होती है, जिन पत्नियों को मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए, तो उन पत्नियों का भी मेंटेनेंस बन जाता है। तभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोर्ट पत्नी का मेंटेनेंस बनाएगी, पति की कुछ भी नहीं सुनेगी। तो यहाँ पे पति की क्या बड़ी गलती हो जाती है जिससे पति के ऊपर मेंटेनेंस लग के ही रहता है, तो इन गलतियों को आपको पकड़ना है। देखो चार पॉइंट मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, अगर इन चार पॉइंटों के आधार पर आप चलते हैं तो बिल्कुल 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि पति के ऊपर मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर पति की गलती नहीं है, पत्नी गलत है, पत्नी अगर मेंटेनेंस लायक नहीं है, तो उस पत्नी को बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। न तो उस पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस मिलेगा, न उस पत्नी को फाइनल मेंटेनेंस मिलेगा, और न उस पत्नी को एलिमनी मिलेगी। यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी पैसा उसे पति से नहीं मिलेगा। पर यह कैसे संभव है, इसके लिए पति को क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला, जब पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस हुआ है या फिर होने वाला है या फिर ऑलरेडी चल रहा है, तो पति को एक एक्सपर्ट एडवोकेट के जरिए से लीगल एडवाइस की बहुत ही जरूरत होती है। यानी कि पति को उस मामले के अंदर कानूनी सलाह की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि एक एक्सपर्ट एडवोकेट ही पति को कानूनी सलाह दे सकता है, लीगल एडवाइस दे सकता है कि आपको इस केस के अंदर क्या करना चाहिए जिससे आपके ऊपर मेंटेनेंस ना लगे। तो वहाँ पे पति बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, ऐसे एक्सपर्ट एडवोकेट से लीगल एडवाइज नहीं लेते हैं, कानूनी सलाह नहीं लेते हैं, जिससे उनको मेंटेनेंस केस के अंदर हार का सामना करना पड़ जाता है, उनके ऊपर मेंटेनेंस लग के ही रहता है। तो पति को इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि मेंटेनेंस केस के अंदर एक अच्छे एडवोकेट के जरिए से लीगल एडवाइज लेनी है। अब दूसरा काम पति को क्या करना है, जब उनका केस चलता है तो उनको एक अच्छे एडवोकेट की जरूरत होती है, उस केस को देखने के लिए, उस केस के अंदर खड़ा होने के लिए, उस केस के अंदर प्रेजेंस होने के लिए। तो पति को मेंटेनेंस केस के अंदर एक ऐसा एडवोकेट खड़ा करना चाहिए, एक ऐसा एडवोकेट करना चाहिए जिनको इस फील्ड के अंदर एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे उस केस को आसानी से जीत सके, अपने पक्ष के अंदर कर सके। अब तीसरा, पति के पास में मेंटेनेंस से बचने के एविडेंस होने चाहिए, यानी कि सबूत होने चाहिए जिन आधार से पत्नी का मेंटेनेंस ना बने, पति के ऊपर मेंटेनेंस ना लगे। तो ऐसे एविडेंस अगर पति के पास में है तो पति को अपने एडवोकेट साहब को देने हैं, जिससे वो कोर्ट के अंदर लगा के कोर्ट को कन्विंस करके मेंटेनेंस से बच सके। चौथा, पति को मेंटेनेंस केस के अंदर ये ध्यान देना है कि पत्नी कहीं मेंटेनेंस लेने के लिए झूठ का सहारा तो नहीं ले रही है, कहीं वो झूठा एफिडेविट तो नहीं दे रही है। अगर पत्नी झूठ का सहारा ले रही है, झूठ बोल रही है गलत तरीके से, अगर वो मेंटेनेंस लेना चाहती है, झूठा एफिडेविट वो कोर्ट के अंदर दे रही है, तो पति को उस झूठे मेंटेनेंस केस के अंदर झूठा एफिडेविट देने के ऊपर 340 CRPC का एप्लीकेशन लगवाना है, पत्नी के ऊपर 340 CRPC की कार्रवाई करवानी है, जिससे अगर पत्नी दोषी पाई जाती है, झूठा अगर उसने एफिडेविट दिया है, तो पत्नी के ऊपर कार्रवाई होगी और पति के ऊपर मेंटेनेंस भी नहीं लगेगा। और इससे पत्नी के ऊपर एक प्रेशर भी बन जाएगा, एक दबाव भी बन जाएगा। तो इस तरीके से पति ये चार ऑप्शन अपना के इन चार पॉइंटों के जरिए से पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, किन पतियों के ऊपर मेंटेनेंस लगता है। उन पतियों के ऊपर मेंटेनेंस लगता है जो कोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं बोलते हैं, उनकी ये चार कमियां मेंटेनेंस केस के अंदर होती है, तो उनके ऊपर तो मेंटेनेंस लग के ही रहेगा, उनको कोई भी नहीं बचा सकता है। और जिन पतियों की गलती है उनके ऊपर भी मेंटेनेंस लग के रहेगा। तो अगर मेंटेनेंस से बचना है तो इन चार तरीकों को जरूर अपनाएं। तो इस मैटर में या फिर और किसी भी मैटर में अगर आपको लीगल एडवाइज यानी कि कानूनी सलाह चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।